बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम अपना रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास थी मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम रिमेनिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जो हैं साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले हम साउंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जो है बेसिकली साउंड की वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी साउंड एनर्जी में जो बेसिक काम होता है वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। यानी जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सपोज करें ये एक ग्लास है, और ये ग्लास स्टील का बना हुआ है, ठीक है। ये एक स्टील का ग्लास है। जब आप चम्मच को स्टील के ग्लास से टकराते हैं तो इन दोनों के दरमियान में क्या प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़, कोई दो चीज़ें आपस में टकराएं तो उनके टकराने की वजह से वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड एनर्जी बेसिकली वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब हम डोर नॉक करते हैं तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। इवन जब हमारे हाथ से कोई ग्लास गिरता है तो ग्लास जब टूटता है उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम क्लैप करते हैं उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा कि जब भी कोई दो चीज़ें आपस में टकराती हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट जो सी है वो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, अब हम ये देखते हैं। अब देखें, प्लांट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास एक पौधा है, ठीक। अब वो सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं। जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो अपना खाना तैयार करते हैं। इसी तरह लाइट की हमारी ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लाइट की मदद से देखते हैं। लाइट अगर ना हो तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। लाइट को हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं? हमारे घर में बल्ब लगे हुए हैं, उसके अलावा ट्यूब लाइट्स हैं, इसके अलावा टॉर्च वगैरह हैं, कैंडल है, जिसकी वजह से हम रोशनी हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और हम लाइट की मदद से ही देख सकते हैं। और एक बात याद रखें, जो सबसे ज़्यादा हमें रोशनी मिलती है वो सूरज की मदद से मिलती है। आपने देखा होगा जैसे ही सूरज निकलता है तो रोशनी आ जाती है। इसे हमें ये पता चलता है कि जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइट का, यानी वो सबसे ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बेसिकली केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। जब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी चीज़ के दरमियान में रिएक्शंस होते हैं तो उसकी वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी हमारे फूड में प्रेजेंट होती है, फ्यूल में प्रेजेंट होती है, और बहुत से सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होती है। इवन हम जब लकड़ियों को जलाते हैं, जब हम वुड बर्न करते हैं तो उसकी वजह से भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है। यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी मस्कुलर एनर्जी अपने फूड से हासिल करते हैं। अब देखें, जब कोई भी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी चीज़ को खाता है तो उसकी वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी में भी इवन केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस के दरमियान में केमिकल रिएक्शन हो तो उसकी वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रेडिएशंस रिलीज होती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन जो रिलीज़ होती हैं वो दो फॉर्म्स में होती हैं। एक हमारे पास होती है लाइट, और एक होती है हीट। इन रेडिएशंस के दरमियान में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है हमारे पास फिशन रिएक्शन, और एक रिएक्शन होता है फ्यूजन। सबसे पहले हम देखते हैं फिशन रिएक्शन क्या होता है। फिशन रिएक्शन में हमारे पास एक एटम होता है। जब भी कोई एटम कोलाइड होता है तो उसके वो स्मॉलर पीसेस में स्प्लिट हो जाता है। जब भी कोई एटम कोलाइड करे और वो स्मॉलर पीसेस में स्प्लिट हो जाता है तो उस दौरान लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। आपको पता होगा जब भी किसी भी एटम को हम तोड़ते हैं तो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है तो उससे लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास, अब हम फ्यूजन रिएक्शन को समझते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास कोई से दो न्यूक्लियाई जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं।
ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है। याद रखिएगा फिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एटम स्प्लिट होता है स्मॉलर पीसेस में तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना, जब दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, इस रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली इन दो रिएक्शन की वजह से होती है, एक रिएक्शन होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। इसमें जो हीट रिलीज होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वेयन ऑफ एनर्जी। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटर कन्वेयन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वेयन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। याद रखिएगा जो एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना ही क्रिएट होती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा जो हमारी एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रब योर हैंड्स। अब देखिए हमने बात की थी कि जब अपने हाथों को रब करते हैं तो जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रब करते हैं तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारी जब हाथ हम तेज़ी से रब करते हैं तो हमारी हाथों की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। हम जैसे जैसे अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे जो हाथ हैं वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी उस टाइम आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा जब अपने हाथों को रब करते हैं तो हम मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करते हैं जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, हमने पढ़ा था ना जब भी कोई चीज़ रेस्ट पोजिशन पर होती है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसने मूव करना स्टार्ट किया, जब वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो इस टाइम इसमें मोशन में था, मोशन में होने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट थी। जैसे जैसे वो ऊपर गया तो एक पॉइंट पे आकर वो रुक गया, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी जोन सी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसे हमें पता चला कि जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जोन सा अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो क्या होती है कि अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पहले वो इस फॉर्म में था, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी से दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और वह जब दोबारा यहाँ से मूव कर नीचे आएगा तो दोबारा उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि इंटर कन्वेयन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिल जाएँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।